नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। ये समय है यमुनानगर की कुछ कम्युनिटी अपडेट का। प्यारा चौक से नेहरू पार्क तक बीपीआई रोड पर बने खड्डों से परेशान युवाओं ने रविवार को अनूठा प्रदर्शन किया। आगाज संस्था के बैनर तले इकट्ठा हुए युवाओं ने बुरी तरह से टूट चुकी सड़क के खड्डों के ऊपर चूने के साथ हंसती हुई मुस्कान भरी आकृति बनाई, जिससे ये दर्शाने की कोशिश की गई कि खड्डे आम जनता पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। उधर नगर निगम द्वारा इस सड़क का टेंडर लगाया गया था, लेकिन इस पर विवाद हो गया, जिसके बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया। कोरोना संक्रमित दो और लोगों ने रविवार को दम तोड़ दिया, जिसमें एक व्यक्ति आनंद मार्केट के निकट रहने वाला था, जबकि दूसरी मौत बिलासपुर की गुलशन कॉलोनी में हुई है। 55 वर्षीय दुकानदार कुछ दिनों से बीमार था। बिलासपुर कस्बे में कोरोना से यह दूसरी मौत हुई है। परिजनों के अनुसार दुकानदार कॉलोनी के एक पॉजिटिव युवक के संपर्क में आया था। बुखार होने पर उन्हें गाबा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जब वह कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन ज्यादा दिक्कत होने पर परिजनों ने उन्हें डेराबस्सी के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। रेलवे रोड पर नगर निगम कार्यालय के सामने बाजार से शॉपिंग कर एक्टिवा पर घर लौट रही माँ बेटी से बाइक सवार दो युवकों ने पर्स छीन लिया। पर्स में 23,000 रुपए और महिला का मोबाइल था। पर्स छीनने के बाद आरोपी फौरा चौक की तरफ फरार हो गया। महिला ने इसकी शिकायत शहर पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में दो अज्ञात युवकों पर छीना छपटी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थे यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट। ऐसे और अपडेट देखने के लिए देखते रहें यस टीवी। नमस्कार।